आज आपको दिखाने वाला हूँ पुरानी दिल्ली के सबसे बेहतरीन छोले भटूरे, जिसे लोग फुटपाथ और सड़क पर बैठकर खाते हैं। और यहाँ की एक प्लेट खाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी जुबान पे एक प्लेट छोले भटूरे का स्वाद चढ़ेगा। यह पराठे वाली गली, इसी गली के अंदर वो छोले भटूरे मिलते हैं। और जो सबसे ज्यादा भीड़ मिलेगी आपको स्टार्टिंग में, वही दुकान यहाँ पे भाई फेमस छोले भटूरे की। और यहाँ पे आप पहले देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ लगी, और एक प्लेट भटूरे के लिए देख रहे हो बंदे हाथ बड़ा बड़ा के खड़े हुए हैं। बहुत अमेजिंग है, बहुत यम है। जब भी चांदनी चौक आते हैं यहाँ से खा के जाते हैं, बगैर जाते नहीं। जी क्या लेने आ रहे हो सब यहाँ पे? छोले भटूरे। तो भाई नमस्कार। नमस्कार सर। तो भाई जी क्या मिला रहे हो सर छोले भटूरे में? मसाला मिलाते हैं। तो मसाला तो सभी मिलाते हैं, लेकिन आपके इतनी भीड़ कैसे है? प्यार प्यार बहुत बढ़िया। तो भाई पहले आपको एक बार दिखाता हूँ इनके छोले, दिखाता हूँ एक बार पास से, दिखाता हूँ आपको। इधर की साइड देखो। तो भाई दिखाओ एक बार छोले, दिखाओ अपने। पहले अंदर आओ। अंदर आ गए तो देखो भाई, मतलब ये देख लो, सिर्फ तीन चार बंदे जो यहाँ पे काम करते रहते हैं, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो ये है जी वो छोले, अच्छे से चला के दिखाओ, बढ़िया से पैक करना है भाई। से क्या डालते हो मसाले? तो डालते हो, तो सभी डालते हैं। ऐसा कौन सा स्पेशल मसाला डाल दिया आपने? ऊपर वाले का आशीर्वाद। यहाँ पे सिर्फ तीन चार बंदे, और यहाँ की साइड देखो तो तीन चार बंदे खा सकते हैं, बस आराम से खड़े होके। और वहाँ की तरफ देखो खंडा भाई, थोड़ा सा वहाँ की साइड देखो, भटूरे लगातार तले जाते हैं भाई। आई मीन यहाँ के सबसे पॉपुलर यही है, तो मैंने हमेशा से देखा है और सुना भी है, तो दैट्स व्हाई ट्राइंग इट। छोले भटूरे जो दिल्ली में मिलते हैं वो यही मिलते हैं, वरना तो बाकी तो पानी रखते हैं। मैं आ रहा हूँ देहरादून से खाना है। बहुत अच्छा है, जब भी आते चांदनी चौक का चक्कर मिलता है, यहाँ खा के जाते हैं भाई। ऊपर की तरफ से यहाँ पे छोले आते हैं और यहाँ पे पलटे आते हैं। तो भाई कितने छोले लगाते हो दिन भर में? लगा लेते हैं जैसे जैसे काम होता है। अच्छा, और ये देखो ऊपर से मतलब लिफ्ट की तरह भाई आए और छोले भटूरे छोले लेके चले भी गए। ये पानी किस चीज़ का बनाते हो भाजी? तरी बनती है। अच्छा, तरी किस चीज़ के तरी बनाते हैं? मसाले की। तो जो अपने रावलपिंडी वाले छोले होते हैं वही छोले, मतलब एक तरह से जैसे बनते हैं, मतलब छोले भटूरे नॉर्मल। आप वैसे पेड़ी लगा के नहीं रखते? जो पेड़ी लगा रखते रेडी वेडी वाले? नहीं, वो दिखावा नहीं। अच्छा, दिखावा नहीं करते। और भाई देखो बंदे कहते हैं ना ऊपर वाला सब सुनता है, तो ऊपर वाले आ गए पनीर सुन के, पनीर की आवाज़ सुन के। तो भाई यहाँ से आते रहते हैं, माल ऊपर जाता है और यहाँ डाल दिया जाता है। तो अभी क्या मंगाया था? पनीर मंगाया था, डाला तो नहीं आपने पनीर? अच्छा, वो भटूरे में लगाते हो? बंदे कहते हैं अफीम वफीम डालते हो बीच में, ऐसे भी है क्या कुछ? अगर ऐसा होता तो फिर सब बना लेते। नहीं, 5 मिनट हो गया खड़े हुए, लेकिन हमारी प्लेट नहीं लग रही है क्योंकि नंबर इतने लगे हुए पहले से। भाई एक प्लेट हमारी बोल दो भैया। अच्छा, हम ले लें तो चलो भाई, हमारी प्लेट लग रही है बढ़िया, फूले फूले भटूरे। भाई पूरी भीड़ से निकल के अपनी प्लेट लेके आएंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद ये प्लेट मिली है, और मेहनत का फल मीठा होता है। मगर ये है मसालेदार वाले छोले भटूरे, अब इसको फटाफट से टेस्ट करते हैं। ये बढ़िया सी बाइट, और ये भाई अनारदाने वाली चटनी, और लेते हैं बाइट पहली। छोले ने एकदम मसालेदार हो रखे, और स्पेशली जो इनकी चटनी ना भाई अनारदाने वाली, ये बहुत खट्टी खट्टी चटनी हो रही है। भटूरे की स्टफिंग है, हल्का फुल्का पनीर है, 90 रुपये इसका प्राइस है। और भाई आमतौर पर ना चांदनी चौक की तरफ आओगे 50-60 रुपये प्लेट कहीं भटूरे नहीं मिलते, लेकिन 90 रुपये में आप कहते तो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन भाई आजकल आपको पता ही है कि चांदनी चौक में सब कुछ ही महंगा है। मगर भाई बहुत बढ़िया स्वाद में। भाई उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने छोले भटूरे लवर दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। यहाँ के भटूरों का जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग है। एक तो ऑयल नहीं मिलेगा, कितना ही ऐसे ऐसे करके चेक कर लो। दोनों भाई फुटपाथ पे बैठ के खा रहे हो, मतलब हमारी बिल्कुल सही लाइन है। हाँ बिल्कुल। ये बताओ भटूरे का स्वाद कैसा है भाई? एक नंबर है, बेहतरीन, एक नंबर। मैं इधर का हर हफ्ते के अंदर एक बार आता हूँ।